उत्तरी भारत के सबसे ऊंचे जटोली मंदिर में भोले भंडारी शिव बसते हैं। 122 फुट ऊंचे इस मंदिर को बनाने में कई दशक लगे। ये मंदिर दक्षिण शैली में बना है। इस मंदिर में लाखों भक्त देश विदेश से आते हैं और मन की मुरादें पाते हैं। यहां आकर अति सुख की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है भगवान शिव पहाड़ों के बीच खुद विद्यमान है। यही वजह है कि जो भी भक्त यहाँ आता है और सच्चे मन से जो भी मांगता है, भगवान शंकर उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। उत्तरी भारत के सबसे ऊंचे जटोली मंदिर में बसते हैं भोले भंडारी शिव। 122 फुट ऊंचे इस मंदिर को बनाने में कई दशक लगे हैं। ये मंदिर दक्षिण शैली में बना है। इस मंदिर में लाखों भक्त देश विदेश से आते हैं और मन की मुरादें पाते हैं। यहां आकर अति सुख की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि भगवान शिव पहाड़ों के बीच खुद विद्यमान है। यही वजह है कि जो भी भगत यहाँ पर आता है, सच्चे मन से जो भी मांगता है, भगवान शंकर उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। इस मंदिर की नींव स्वर्गीय स्वामी कृष्णानंद परमहंस महाराज द्वारा 1950 में रखी गई थी। उसमें वह केवल छोटी सी गुफा में रहते थे। ये गुफा आज भी यहाँ मौजूद है। उन्होंने इस मंदिर की परिकल्पना की थी जो आज साकार हो चुकी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब स्वामी कृष्णानंद यहाँ आए थे तब इस क्षेत्र में पानी की भारी कमी थी। उन्होंने यहाँ दिन रात कठोर तपस्या की और उन्होंने अपना त्रिशूल गाड़ा और वहां से जलधारा फूट पड़ी जो आज तक पहाड़ से निकल रही है। जो गर्मी हो या सर्दी कभी भी नहीं सूखती। इस पानी को गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है। इस मंदिर में विज्ञान पर आस्था भारी होते हुए जरूर देखी जा सकती है। भगत यहाँ आते हैं कि तपोबल से जटोली मंदिर के सुक्ताल कुंड का पानी गंगा जल की तरह पवित्र है जो कभी खराब नहीं होता। यही नहीं, जो इस चमत्कारी जल का सेवन करता है वे कभी बीमार नहीं होता, उसे बीमारी छू भी नहीं पाती। मंदिर के संयोजक बताते हैं कि जो व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित होता है वह सच्चे दिल से अगर 7 ऐतवार यहाँ आकर इस जल का सेवन करता है तो उसे सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि 4 धामों के जल के बराबर इस जल की महिमा है। ये शिव मंदिर उत्तरी भारत का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है जो कि 122 फीट ऊंचा है। मंदिर के शीर्ष पर 11 फुट लंबा स्वर्ण कलश चढ़ाया गया है। यही नहीं, इस मंदिर में सप्तिक का शिवलिंग स्थापित किया गया है। सोलन से राजगढ़ रोड होते हुए जटोली मंदिर को जा सकती हैं। सड़क से करीब 100 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर है। दाईं ओर भगवान शिव की मूर्ति स्थापित है। इसके 200 मीटर की दूरी पर शिवलिंग है। यहां के लिए बस सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा टैक्सी और ऑटो से भी यहां पर पहुंचा जा सकता है। जैसे हमने बुजुर्गों से सुना है, यहां आकर महाराज जी ने तपस्या की। तपस्या करके वहाँ जल की धारा निकली और धारा निकलने से महाराज जी ने वहाँ एक कुंड बनवाया और कुंड बना के हर भक्त को जो भी आता था, दुख का मारा हुआ या संसार का सताया हुआ, घर का सताया हुआ, किसी प्रकार की आदि व्याधि से, तो महाराज जी कहा करते थे, बच्चों वहाँ मन्नत मांग लो, तुम्हारे हक हर दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो फिर और भक्त जाके वहाँ पर मन्नत मांगते थे। वहाँ महाराज ने शिवलिंग की स्थापना भी करवाई है और उस जल को फिर बोतलों में भर के घर ले जाते हैं लोग और उसका सुबह शाम सेवन करते हैं और उनके सारे दुख दर्द दूर होते हैं और उनकी मन्नत पूरी होके फिर अपनी श्रद्धा से वो यहाँ जो भी उनकी मन्नत होती है चढ़ाते हैं। कोई भंडारे देते हैं, कोई कुछ भी करता है। तो अभी तक लोगों की यही आस्था है, सबकी विश्वास है और इसी तरह से सबके कष्ट मिट रहे हैं और यहाँ से महाराज जी का जल ले जाके अपने घरों में इसका सेवन करते हैं और हर एक भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। बाहर से भी लोग यहाँ बहुत आते हैं, फॉरन तक के लोग यहाँ हमने देखे हैं। हमारे इलाके में तो जैसे हमारे पहले पिताजी थे, उनको आंखों की ये था, तो महाराज जी ने यहाँ 7 इतवार और जल दिया, जल से मुंह धोना है तो उनकी आंखें की रोशनी भी आ गई थी। और यहाँ पे जितने भी है नज़दीकी या दूर से भी आते हैं, उनके सबके असाध्य रोग, कोई भी जैसे PGI से भी छोड़ा हुआ भक्त होता है या कोई दुखिया होता है, उसके भी सब रोग यहाँ पे इस जल से दूर होते हैं, हमने खुद देखे हैं। और यहाँ पे जल की कोई व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने अपने शक्ति से, अपने भावना से, भक्ति से जल का प्रकट किया, जिसको जल कुंड के नाम से, गंगा जल के पवित्र जल की तरह है। और कई तरह की यहाँ पे कथाएं भी पैदा हो गई कि इस जल में कुछ ना कुछ मथा टेकने से आपको बड़ा लाभ होता है, जैसे कि गंगा जल हर बीमारियों का इलाज है, हर तरह की सुविधा मिलती है, हर तरह का शरीर कष्ट खत्म होते हैं। जो समझ में है, मैं काफ़ी दूसरे कंट्रीज भी घूम चुका हूँ और यहाँ के भी काफ़ी इंडिया का चक्कर लगाया, मेरे को इसके मुकाबले का अभी तक कोई ऐसा स्थान नहीं मिला।
ये जो सुखताल कुंड के नाम से प्रसिद्ध जो स्थान है, इसका जल जो है वो गंगा जल की तरह जो है, इसका प्रमाण है कि ये हमारे घरों में, मेरे पास भी ये लगभग 35 साल से ज़्यादा समय से मेरे घर में ये जल पड़ा है और गंगा जल की तरह ही इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं लगभग। तो ये था आजमगढ़ का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए आश्चर्य के साथ। नमस्कार।